I am Mitanli and today we will talk about the chapter resources. So before starting this chapter, I will tell you that what is resources. Any material fulfills the human need are called resources. So there are three types of resources. First, natural resources. Second, human resources. And third, human made resources. So first, natural resources. So which resources are get from the nature are called natural resources. So iska first part hai biotic. So biotic, those material which are derived from living organism are called biotic resources. Example mein hai wood, crops, medicine, etc. Matlab kehte hain jo resources hame kehte hain living organism se mile, jaise kehte hain wood hame milegi jab hum plant lagayenge, to ek living jo hoga wo plant lagega to hame wood milegi. So iska kehte hain dusra part hai abiotic. So those resources which are get from the non-living things are called abiotic. Example में rocks, clay, sand जो कहते हैं हमें at present हमें कहते हैं यहाँ earth पे present पे मिलती है. Second है ubiquitous resources. So ubiquitous resources, these resources are found everywhere. ये resources हमें कहीं भी हम पा सकते हैं इन्हें. Example में air, water, sunlight ये सब हम कहीं भी पा सकते हैं everywhere. And इसके second part है localized. These sources are found in specific places. ये जो resources हैं वो specific विशेष कहते हैं जगहों पे मिलते हैं. Example में है petroleum, coal, minerals. ये हमें कहते हैं specific जगह पे मिलते हैं, हमें कहीं भी everywhere नहीं मिलते. Third है renewable. So those resources that can regenerate in a short time of period. जो resources थोड़े टाइम के पीरियड में खुद को रीजनरेट कर लेते हैं. एग्जाम्पल में है सोलर एनर्जी, वाटर, एयर एक्सेट्रा, बहुत से हैं. तो जो थोड़े टाइम के पीरियड में अपने कुछ जनरेट कर लेते हैं. थर्ड पार्ट है नॉन रिन्यूएबल. तो नॉन रिन्यूएबल दोज रिसोर्सेज कैन रीजनरेट इन टेक मिलियंस ऑफ ईयर. ये जो रिसोर्सेज है मिलियंस ऑफ ईयर मतलब मिलियंस ऑफ ईयर सालों सेंचुरी कहते हैं इन्हें रीजनरेट होने में लग जाते हैं. एग्जाम्पल में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयल एक्सेट्रा आर नॉन रिन्यूएबल. फोर्थ पार्ट है एक्चुअल. दो रिसोर्सेज वी आर नोन टू अस बट वी आर नोन टू अस एंड वी नो देयर लोकेशंस, क्वान्टिटी एंड वी नो देयर नॉलेज एंड वी हैव ऑल फुल नॉलेज ऑफ देयर रिसोर्सेज and we have the technology to exploit them and use them. हमारे पास मतलब ये ऐसे resources हैं जिन्हें हम जानते हैं और कहते हैं हमारे पास इतनी technology है कि हम उन्हें निकाल सके, हमारे पास उनके बारे में पूरी जानकारी. example में छोटा नागपुर plateau मतलब छोटा नागपुर plateau में minerals हैं. support है potential. so these resources are known to us मतलब हम इन्हें जानते हैं but we have no sufficient technology and knowledge of दी रिसोर्सेज. हमारे पास पूरी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है इनके मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है इन्हें निकालने की और हमारे पास इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है. एग्जाम्पल में है मिनरल्स इन अंटार्कटिका मतलब जो अंटार्कटिका के आइस कवर में इतने मिनरल्स कहते हैं दबे हुए उनके ऊपर जो कवर हो रखा है हम उन्हें जानते हैं बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी उनको निकालने के लिए नहीं है. सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्सेज. सो एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो एजुकेटेड कहते पीपल्स हैं और स्किल्ड पीपल्स हैं उन वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री इट्स पीपल. जो पीपल हैं वो अपनी कंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. तो थर्ड इसका है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज विच रिसोर्सेज आर मेड या आप बोल सकते क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. जो ह्यूमंस मतलब बना सकते हैं बाय देयर कहते हैं नॉलेज अपने नॉलेज से कहते हैं वो बना सकते हैं उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं. एग्जाम्पल में रेल, रोड, बिल्डिंग्स, फोन, टेक्सटाइल ये वगैरह ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. और भी कम्युनिकेशन के लिए और टेलीफोन वगैरह सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. सो दिस इज अवर फाइनल पार्ट एंड लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी.